सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और तेलंगाना सरकार के वकील दुष्यंत दवे के बीच जमकर तीखी बहस हुई। बात इतनी बढ़ गई कि दुष्यंत दवे ने तुषार मेहता के लिए यहां तक कह दिया कि मैंने पिछले 40 साल में आपके जैसा घटिया एसजी नहीं देखा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट तेलंगाना सरकार की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में राज्यपाल तमिलीसाई सौंदर्य राजन पर विधानसभा से पारित हो चुके 10 बिलों पर लंबे वक्त से मंजूरी ना देने की शिकायत थी। इस पर शीर्ष अदालत ने राज्यपालों को उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी याद दिलाते हुए कहा कि अनुच्छेद 200 राज्यपालों को निर्देशित करता है कि वो विधेयकों को जल्द से जल्द मंजूरी दे या वापस कर दे। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि राज्यपाल के पास कोई विधेयक लंबित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इन बिलों को क्लियर या रिटर्न करने की कोई टाइमलाइन नहीं तय की है, मगर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने जल्द से जल्द वाली बात जरूर याद दिलाई। उधर तेलंगाना के वकील दुष्यंत दवे ने बेंच पर जनरल रूलिंग का दबाव बनाया। उन्होंने कहा कि राज्यों की चुनी हुई सरकारें राज्यपाल की दया पर नहीं छोड़ी जा सकती। दवे ने भी आर्टिकल 200 का जिक्र करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात के राज्यपाल जहां बीजेपी की सरकारें हैं महीने भर के भीतर बिल क्लियर कर देते हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल और दुष्यंत दवे के बीच तूतू मैं शुरू हो गई। एसजी ने कहा अब इस बारे में कोर्ट को टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, मैं तेलंगाना के वकील जितना चिल्ला नहीं सकता। इस पर दवे ने ऊंची आवाज में कहा मैंने पिछले 40 साल में आपके जैसा खराब एसजी नहीं देखा। आप मुझसे एलर्जिक हैं, मैं आपसे एलर्जिक हूँ। बहरहाल इस पूरी बहस में अनुच्छेद 200 का जिक्र किया गया है, उसके बारे में भी अब आप जान लीजिए। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रोविजो 1 में लिखा गया है कि राज्यपाल विधेयक को सहमति के लिए पेश करने के बाद जल्द से जल्द उसे वापस कर सकता है अगर वो धन विधेयक नहीं है। यानी कि अनुच्छेद 200 राज्य विधायिका से पारित विधेयकों को मंजूरी देने से जुड़ा हुआ है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।